हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट सुप्रीम। आज हम करेंगे बायोलॉजी क्लास 11th के जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं उन सबको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में और सबको अच्छे से समझने भी वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये दिया हुआ है फिगर 1.1, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि जो हमने पढ़े थे डिफरेंट टैक्सा, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे नीचे जो है वो सबसे छोटा ग्रुप है, यानी कि स्पीशीज जैसा आप देख रहे हैं, उसके बाद जीनस, फैमिली और ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड देन किंगडम। आपको ये ध्यान रखना है कि फाइलम और डिवीजन जो है वो एक ही लेवल पे आते हैं, वो जो बस एनिमल और प्लांट्स में इनको फाइलम और डिवीजन कहा जाता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायग्राम हम देखेंगे टेबल 1.1, जो ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिया हुआ है। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इन जो मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ये सब हैं, इनके साइंटिफिक नेम्स याद रखने हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि यही नहीं, कुछ और भी साइंटिफिक नेम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एनिमल किंगडम में दिए हुए हैं और कुछ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में दिए हुए हैं, वो भी आपको अच्छे से याद रखने। उसके बाद इनके जो है जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास भी सबको सारे के आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट से टेबल से क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास टेबल 2.1। इसमें जो है आपको दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम, यानी आरएच विटेकर ने किस किस बेसिस पे जो हमारे फाइव किंगडम बनाए थे वो किस बेसिस पे बनाए थे और डिफरेंट किंगडम्स में जो है वो क्या डिफरेंस है उन कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में दिखा दूँ, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब में जो है आपको डिफरेंस देखना है इन सारे फाइव किंगडम्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो मोनेरा है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी यहाँ आपको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, सेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ सारे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम से हमारे पास ये है हमारा 2.4 डायग्राम है। इसमें डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेना, स्लाइम मोल्ड और पैरामीशियम के डायग्राम्स दिए गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो आपका डाई आइटम का डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सच में सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें ऊपर एक लिड है और नीचे उसकी बॉडी है। उसमें जैसा उसमें लिखा हुआ है, इसके बॉडी फरों के बीच में से दो फ्लैजिला निकल रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। उसके बाद आपका जो है यूग्लिना है, यूग्लिना में जो है पहले के बुक्स में नहीं दिया हुआ था लेकिन इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, ये दो फ्लैजिला है और इसमें डिवीजन जो है ट्रांसवर्सली होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद स्लाइम मोल्ड जो है एक सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ये स्लाइमी टाइप होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लास्ट टाइम हमारे पास पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो है वो बहुत सारे सीलिया होते हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ सीलिया, जो कि साइमल्टेनियसली मूव करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से फूड को जो है वो इस गलेट में भेज सकते हैं। इस स्पेस को बोलते हैं गलेट, जो कि एक ओपनिंग टाइप होती है इस सेल के अंदर कोई भी फूड पहुंचाने के लिए या फिर कोई भी सामान बाहर इजेक्ट करने के लिए, जैसे कि इसका वेस्ट मटेरियल हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम आता है वायरसेस का, फिगर 2.6, सेकंड चैप्टर से ही है लास्ट डायग्राम। इसमें आपको जो टोबैको मोजाइक वायरस और बैक्टीरियोफेज दिया हुआ है, इन दोनों के ही डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन TMG से है जो है एसर्शन रीजन तक पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है RNA, जो RNA है इसका वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो कैप्सिड होता है, यानी प्रोटीन कोट होता है जो कैप्सिड होता है, और ये कैप्सिड जो है वो एक एक यूनिट से मिलके बना होता है जिसको कहते हैं कैप्सोमर। आपको ये ध्यान रखना है कैप्सोमर है ये। ठीक है, उसके बाद जो बैक्टीरियोफेज है उससे क्वेश्चंस क्या आते हैं, इससे लेबलिंग का क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका हेड है, ये जो है छोटा सा पार्ट है, ये है नेक, देन ये पूरा सिलेंड्रिकल है सीट जो छोटे छोटे डिस्क टाइप से बना हुआ है, उसके बाद ये है आपके टेल फाइबर्स। ठीक है, तो इसके आपको जो लेबलिंग है वो भी ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इस वीडियो में सारे ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत लेटर में सेव कर सकते हैं जिससे आप इसको बाद में भी देख सकें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम हमारा था फिगर 3.1, जो कि डिफरेंट टाइप्स की एल्गीज का एक्चुअली हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें नहीं दिए हुए थे जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि क्लेमेडोमोनास और चारा, उसके बाद वॉल्वोक्स और स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को रिबन या फिर पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है, पॉन्ड स्कम।
ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरे पॉन्ड पे जो है फैल जाता है एकदम रिबन की तरह, और ये पूरे पॉन्ड को ढक लेता है। आपको यह रखना है कि वॉल बॉक्स जो है वो एक कॉलोनियल एल्गी है, आप देख सकते हैं यहाँ इसके डॉटर कॉलोनीज है यहाँ पे, और जो क्लैमाइडो मोनास है वो सिंगल सेल है और फ्री लिविंग है, ऑटोट्रॉफ है, और ये ग्रीन है, इसके अंदर यू शेप या फिर कॉलर शेप ऐसे शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में जो है ये दिया नहीं होता एक लेबलिंग, सब में होल्ड फास्ट होता है अटैचमेंट के लिए, उनके नीचे जो भी रॉक है या फिर सॉइल है उसके साथ। उसके बाद उनमें तीनों में एक फ्रॉन्ड होता है, फ्रॉन्ड यानी एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी जिससे ये लेटरली फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम देख सकते हैं जो फ्यूकस है आपका, ये वाला जो है फ्यूकस के अंदर जो है वो एयर ब्लैडर है। एयर ब्लैडर इसलिए ताकि ये पानी के अंदर रहते रहते जो है ख़राब ना हो जाए, इनके अंदर एयर ब्लैडर होते हैं ताकि ये फ्लोट कर सकें। उसके बाद हमारा आता है रेड एल्गी। रेड एल्गी में पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया आप ऐसे याद कर सकते हैं, पॉली यानी बहुत सारे होते हैं तो इसमें बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, और पोरफायरा जो है वो एक खुद ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरा का पूरा सबस्ट्रेट से पूरी बॉडी अटैच होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम जो है वो आता है टेबल 3.1। टेबल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। टेबल 3.1 डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसमें है, इसमें उनके नेम, पिगमेंट, स्टोर, फूड, सेल वॉल किस किस चीज़ों से बनी हुई है वो दिया हुआ है। फ्लैजिला कितने हैं आपको ये याद रखना है कि रोडोफाइसी में जो है वो फ्लैजिला नहीं होता है, बच्चे इसको भूल जाते हैं। उसके बाद इसमें हैबिटेट दिया हुआ, तो हैबिटेट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट और ये पार्ट, कभी कभी सेल वॉल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको याद ऐसे रख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है तो वो तो सब में ही पाया जाएगा। उसके बाद बी सी डी, उसके बाद आप ये देखिए फाइको एरिथ्रिन, और आपको पता है कि एरिथ्रिन जो है वो रेड से जुड़ा होता है, तो फाइको एरिथ्रिन जो है रोडोफाइसी का पार्ट है, बाकी बच के फ्यूकोजेंथिन जो को फियोफाइसी में आ जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो मैनिटोल एंड लेमिनेरिन है वो एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बनाता है, और फ्लोरिडीन स्टार्च बनाता है रोडोफाइसी। उसके बाद हम आगे बढ़े अगले डायग्राम की ओर। अगला डायग्राम हमारा है फिर से एग्जांपल से, जो थर्ड चैप्टर है हमारा उसमें एग्जांपल दिया है ब्रायोफाइट का, जिसमें फीमेल थैलस एंड मेल थैलस ऑफ मॉसिस, फिनेरिया का गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, जिसमें जो है दिखाया गया हमें इस बात साफ साफ कि स्पोरोफाइट जो है गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो गेमिटोफाइट है इसके पास लीव्स हैं, लीव्स वो यानी कि वो फूड बना सकता है, और जो स्पोरोफाइट है वो फूड नहीं बना सकता, इसलिए स्पोरोफाइट को फूड के लिए अल्टीमेटली गेमिटोफाइट पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे कि बहुत फास्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे आप 0.5 या फिर 0.75 की स्पीड पर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इस फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो और ज़्यादा लंबी ना हो ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और वीडियोज़ मैं अभी और डालने वाला हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि फीमेल एंड मेल थैलस ऑफ मॉसिस दिया हुआ है, इसको कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, तो आप ये देखिए कि जिसमें फ्लावर लाइक पूरा स्ट्रक्चर है आर्कीगोनिया कहते हैं उसे, और आर्कीगोनिया जो है वो फीमेल होती है, और जिसमें फ्लावर ढंग से नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बिखरा सा है, वो एंथेरो एंथ्रीडियोफोर है। एंथ्रीडियोफोर जो है, सॉरी आर्कीगोनिया नहीं है, आर्कीगोनियोफोर है, और एंथ्रीडियोफोर जो है वो मेल में होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो ये जो है डायग्राम मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, वैसे तो इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम सिर्फ जिंको का ही है, क्योंकि इसमें कई बार लेबलिंग के लिए भी आ जाता है ये जो है सीड, लॉन्ग शूट और डॉर्ट शूट, लेकिन इसमें भी जो है मेन आपसे तो ये पूछ लेंगे कि फॉसिल वाला कौन सा है, तो जिंको है, लिविंग फॉसिल। लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि साइकस और पाइनस जो है मोनोशियस और डायोशियस, डायोशियस और मोनोशियस होता है, ये आप कैसे याद रखेंगे? तो आप ये यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम देखें कि जो साइकस है इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, यानी कि अगर ब्रांच नहीं है और एक ही स्पॉट है फ्लावर आने के लिए, तो इसका मतलब है कि और आपको पता है कि इसमें जो है मेल ऐसा कोई फ्लावर नहीं हो सकता जिसमें मेल और फीमेल एक ही जगह पे हो, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर एक साथ नहीं हो सकता और एक ही स्पॉट है, तो या तो एक प्लांट पे मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और अगर आप इसमें देखें पाइनस में, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ये ब्रांचेज आ रही हैं, तो यानी कि अलग अलग ब्रांचेज पे तो अलग अलग फ्लावर आ सकते हैं, तो यानी कि एक ही जो प्लांट है उस पर अलग अलग ब्रांचेज पे दोनों सेक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डायग्राम है जो एंजियोस्पर्म का लाइफ सर्कल है। वैसे तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, और जो 12th क्लास जो स्टूडेंट है नीट 2020
जल्दी के लिए अपेयर हो रहे हैं उनको तो अच्छे से आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे इंक्लूड किया है खासकर गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आप ये देखिए कि जैसे ही एग से मेल गैमिट फ्यूज हो जाता है, आपको पता है पोलन में जो है दो मेल गैमिट होते हैं, एक जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है दो जो होते हैं उनके साथ फ्यूज करता है और एक एग के साथ। तो जो जैसे ही एग के साथ फ्यूजन होता है मेल गैमिट का, वैसे ही जो है गैमिटोफाइट से वो स्पोरोफाइट जनरेशन में एंटर कर जाता है। और जैसे ही जो पेरेंट फ्लावर होता है उससे गैमीट्स अलग हो जाते हैं या फिर गैमीट्स टोटली फॉर्म हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाते हैं, वैसे ही हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट जनरेशन में आ गए हैं वो सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो है ये जो लाइफ साइकिल में दी गई है प्लांटिक प्लांटिक और हैप्लोइड प्लांटिक, ये जो है वैसे तो सिलेबस से हट चुकी है और इसीलिए इस डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया है तो हैप्लोइड प्लांटिक लाइफ साइकिल को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ हैप्लोइड प्लांटिक लाइफ साइकिल को, हालांकि जो हैप्लोइड लाइफ साइकिल है उसमें सिंपली यही होता है कि जैसे ही मेल और फीमेल या फिर दो गैमेट्स जो भी हैं वो फ्यूज होंगे उसी वक्त उसके बाद उनमें माइटोसिस नहीं होता बल्कि मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि फ्यूजन के बाद वो डिप्लॉयड हो जाते हैं और रिडक्शनल डिवीजन से वो वापस से हैप्लॉयड हो पाते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे और ये देखेंगे कि जो डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल है इसमें पूरी जो है वो लाइफ डिप्लॉयड नहीं रहती है, लेकिन जो गैमीट फॉर्म होते हैं उस टाइम मियोसिस होती है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि मियोसिस होती है, जो इसमें जो डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल है उसमें गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होती है, लेकिन जो हैप्लॉयटिक लाइफ साइकिल है उसमें जायगोट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होती है। और जो हैप्लोडिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल है इसमें क्या होता है कि जो जब फ्यूजन हो जाता है गैमीट का उसके बाद ही कुछ टाइम तक जो है डिप्लॉयड ही रहते हैं, और डिप्लॉयड रहने के बाद कुछ टाइम बाद इनमें से जो है वो मियोसिस होती है, कुछ स्पोर फॉर्म होते हैं और वो जाके वापस से हैप्लॉयड लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्योंकि कुछ लाइफ हैप्लॉयड रहती है कुछ लाइफ डिप्लॉयड रहती है, तो इसकी वजह से इन्हें हैप्लोडिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है ये, इसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते लेकिन फिर भी आप टेप वर्म और लिवर फ्लूक या फिर फ्लैट वर्म को अच्छे से याद रख सकते हैं डायग्राम से। ठीक है, क्योंकि आप डायग्राम याद रखते हैं तो वैसे भी एक कॉमन फीचर है हमारे दिमाग का कि हमें देखा हुआ ज़्यादा जल्दी याद रहता है बल्कि पढ़ा हुआ थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो आप डायग्राम्स को बहुत अच्छे से बार बार इस वीडियो को मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए और वॉच लेटर में सेव करके रखिए, आपके लाइक वीडियोज और वॉच लेटर में ये सेव्ड रहेगा तो आप बाद में भी इसे देख सकते हैं, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसके बाद हम आते हैं मेल एंड फीमेल ऑफ एसेलमेंथेस या फिर राउंड वर्म। जो राउंड वर्म होते हैं ये वैसे तो आप देख ही सकते हैं कि ये थोड़ा राउंड टाइप स्ट्रक्चर है, इनका भी राउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये राउंड इस वजह से नहीं कहा जाता, इन्हें राउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका यहाँ से अगर क्रॉस सेक्शन करें तो ये राउंड दिखेंगे, जैसे एक पाइप होता है ना वैसे होते हैं ये, तो अगर इनको यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये राउंड दिखेंगे ऐसे, और ये इनका गट है, ये वाला जो है ये है गट। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये ए सीलोमेट होते हैं, इनमें कोई सीलोम नहीं होता, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। उसके बाद आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी हम देखेंगे कि जो मेल है उसमें जो टेल है वो थोड़ी सी हुक टाइप होती है और वो फीमेल से शॉर्टर होता है, फीमेल में जो है वो हुक नहीं होता बल्कि लॉन्ग और कॉइल्ड जो है टेल होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की अगर बढ़ेंगे, कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखेंगे कि पोस्ट एनल टेल होती है, गिल स्लिट होते हैं, नर्व कॉर्ड और नोटो कॉर्ड होती है। आप ये आपको ये पता होगा कि मैमल्स में जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और नर्व कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड या फिर बैक बोन के अंदर रन करती है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट डायग्राम है टेबल 4.1। मैंने आपसे कहा था कि टेबल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। ये है कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, चूँकि बच्चे भूल जाते हैं बाकी सब तो फिर भी याद रखते हैं, जो हार्ट वेंट्रल है और हार्ट डॉर्सल है, क्योंकि कई बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होती है कि डॉर्सल और वेंट्रल होता क्या है। तो डॉर्सल जो है वो पीछे होता है, वेंट्रल जो है वो आगे होता है। तो आपको पता है कॉर्डेट्स में जो हार्ट वेंट्रल होता है, आपका भी दिल आगे ही होगा। तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है, जो बच्चे भूल जाते हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड पॉइंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सल यानी पीछे होता है, हमारा देखिए बैकबोन में होता है और हॉलो होता है। ठीक है, और सिंगल होता है यानी एक ही नर्वस सिस्टम जा रहा है हमारी बैकबोन में से, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल यानी आगे होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है यानी दो जा रहे होते हैं उनमें नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैंने कहा था 4.2। इसमें जो है वैसे तो आपको लगेगा कि ये तो समझ में आता है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने ये टेबल अच्छे से एकदम याद कर लिया ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितने भी आपके फाइला है ये सारे दिए हुए इधर,
ये सारे के सारे आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे बिना इस बात की टेंशन लिए कि आपने उनको अच्छे से याद किया है कि नहीं। आपको बस फिर उनमें से सिर्फ डायग्राम्स याद करने बचेंगे, ठीक है। वैसे ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। सिर्फ 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, लेकिन आगे मैं डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, कहीं आप एक साथ बैठ के बोर ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की वीडियोस भी देख सकें। और मैं इसी तरह क्लास 12th की भी वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम सिखाने वाला हूँ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हर एक जो डायग्राम मैंने दिखाया उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसके बगल में बेल आइकन होगा जो उससे भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू।